नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज बैंकिंग एंड फाइनेंस के एक बहुत बड़े टॉपिक की तरफ हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंट बिटवीन सीबीटी एंड सीबीआईसी, यानी टैक्स के जो दो बड़े बोर्ड है, जिनको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी, और दूसरे को जिसको हम सीबीआईसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सीबीडीटी के हेड पीसी मोदी यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिनको हम प्रमोद चंद्र मोदी कहते हैं, और सीबीआईसी के नए हेड जो अभी बने हैं मिस्टर एम अजीत कुमार, जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं फोटो फ्रेम के अंदर। चलते हैं दोस्तों, पहले टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर टैक्स के टाइप पढ़ेंगे, और उसके बाद इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है टैक्स, और टैक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जिसको हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वह कर जिसको कि जो कर का भार होता है जिस एसएससी के ऊपर होता है, जिस करदाता के ऊपर होता है, वो करदाता अपने उस टैक्स का भार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर टाल नहीं सकता है, अर्थात जो इस टैक्स के सोर्स को, टैक्स के सोर्स की जो रेवेन्यू अर्न करेगा, वही उस टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करेगा, यानी इसमें कोई बीच में चैनल नहीं होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स उल्टा होता है, इसमें आप अपने टैक्स का भार किसी और व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं, और फिर जिस व्यक्ति के ऊपर आपने अपना टैक्स का भार डाला है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना टैक्स जमा कराएगा। यदि डायरेक्ट टैक्स में आप समय पे टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो पेनल्टी आप पे इम्पोज की जाएगी, और इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि आपने आपका कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल दिया है, और यदि वो इस केस में यदि टैक्स पे नहीं करता और डिले होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाएगी, ना कि आपके ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों, सीबीडीटी और सीबीआईसी के बारे में एक डिफरेंट जानते हैं। यहाँ पे आपको बता रखा है फुल फॉर्म, सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी यह प्रत्यक्ष कर को इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करवाता है, यानी इसकी जो क्राइटेरिया है, जिसका क्षेत्र है, वो केवल प्रत्यक्ष कर पे यानी डायरेक्ट टैक्स पे। और जो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर बोर्ड बन रखा है हमारे हिंदुस्तान में, वो है सीबीआईसी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो यहाँ पे चलते हैं कि सीबीडीटी की स्थापना 1944 में हुई थी, तो चौके पे चौका लगता है डायरेक्ट टैक्स पे, तो वैसे याद हो जाएगा चौके पे चौका से सीबीडीटी आ जाएगा, यानी 1944 के अंदर सीबीडीटी बना था, परंतु सीबीआईसी छक्के पे चौका, यानी 1964 छक्के पे चौका, यानी 1964 1 जनवरी 1964 के दिन इसकी स्थापना हुई थी, यानी दोनों में कितने का अंतर रहा, 20 का। चौके पे चौका डायरेक्ट टैक्स और छक्के पे चौका इनडायरेक्ट टैक्स। चलते हैं आगे, दोनों के हेडक्वार्टर सिमिलर है, यानी दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली। लेकिन जो प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं सीबीडीटी के चेयरपर्सन कौन है और सीबीआईसी के चेयरपर्सन कौन है। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी जो सर है, वो सीबीडीटी के चेयरपर्सन है। तो कई बार आपको इसको याद करने का तरीका क्या होगा कि भैया डायरेक्ट टैक्स यानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का डायरेक्ट पार्ट होता है टैक्स, और गवर्नमेंट में जो डायरेक्ट मेन व्यक्ति है वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो सीबीडीटी के अंदर आपको मोदी जी से याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोदी जी जो है वो कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, ना कि नरेंद्र जी मोदी। सीबीआईसी की बातचीत चलती है, तो इनडायरेक्ट पे जहाँ छक्के पे चौका होता है, उसी की जीत होती है, और जीत के आगे ए लगा दो तो बन जाएगा अजीत कुमार, यानी जो छक्के पे चौका इनडायरेक्ट तरीके से मारेगा, उसी की जीत होगी, तो एम अजीत कुमार। इससे याद हो जाएगा सीबीआईसी के चेयरपर्सन कौन है, तो आपका आंसर होगा एम अजीत कुमार, और सीबीडीटी के चेयरपर्सन कौन है, तो नरेंद्र जी मोदी से आपको याद हो जाएगा पीसी मोदी, यानी प्रमोद चंद्र मोदी। अब यहाँ पे टैक्स की बातचीत आती है कि सर डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से किस टाइप्स के टैक्स आते हैं, तो इसमें इनकम टैक्स जिसको कि हम आयकर कहते हैं वो आता है, उसके बाद ट्रांसफ़र टैक्स आता है जिसको हम स्थानांतरण कर कहते हैं, और इसमें संपदा कर जिसे स्टेट कर कहते हैं वो आता है, उसके बाद एंटाइटलमेंट टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, कैपिटल गेन टैक्स आता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों को पे करना पड़ता है कॉरपोरेट टैक्स जिसे हम निगम कर कहते हैं वह आता है, और जो आप प्रतिभूतियां खरीदते हो उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन करते हो उसका टैक्स जिसको हम एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कहते हैं वह इसमें आता है, और साथ में आपके परक्यूसाइट टैक्स भी इसमें आते हैं। तो ये तो बात होती है कुछ टाइप्स आपके डायरेक्ट टैक्स की। अब चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, और उसके बाद सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम वैट बोलते हैं वह है, और कस्टम ड्यूटी, और साथ में ऑक्ट्राई
और उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है। तो इस तरह से आपको ये सीबीडीटी और सीबीआईसी के मध्य जो अंतर है वह आपको समझ में आया होगा। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के आज के जो पहले टॉपिक थी जिसका नाम था सीबीडीटी और सीबीआईसी के मध्य अंतर, वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों फुल फॉर्म आपको दोनों की याद कर रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और चौके पे चौका और छक्के पे चौका, और कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर कौन से मैदान में, फिरोजशाह कोटला जिसका अब नया नाम क्या हो चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम। और यहाँ पे मोदी जी छक्के पे चौका मार रहे हैं, तो यहाँ पे जो जीत करेगा वो छक्के पे चौका, और यहाँ पे चौके पे चौका, मोदी जी चौके पे चौका, और जो जीत करेगा वो छक्के पे चौका। और ये कुछ टाइप से डायरेक्ट टैक्स के और ये कुछ टाइप पे इनडायरेक्ट टैक्स के। आशा करता हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बैंकिंग एंड फाइनेंस की वीडियो के साथ। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।